गाइस, ये आज आपका HTML का थर्ड पार्ट है। इसके पहले हम लोग दो पार्ट कवर कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको वॉच कर सकते हैं। गाइस, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में जानने का प्रयास किया था, और कुछ टैग्स बाकी रह गए थे तो आज हम उनको कवर करेंगे। जैसे आपका हो गया कोटेशन टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, ईएम टैग, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, इंसर्ट, डिलीट, मार्क और पैराग्राफ। आज हम इन टैग्स के बारे में इस वीडियो में प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करेंगे। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आपका पहला टैग आता है वो है कोट टैग, जिसको बोल सकते हैं कोटेशन टैग। यानी कि आपके पास कोई टेक्स्ट है, आप उसको डबल कोट्स के अंदर लिखना चाहते हैं, तो आप इसके लिए इस टैग का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा क्यू, और साथ ही जिस भी टेक्स्ट को आपको कोटेशन के अंदर लिखना है, तो मैंने लिख दिया है न्यू आइडियाज़, ठीक, और हमने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। आपको उतना मैटर इसके बीच में लिखना है जिसको आप डबल कोट्स के अंदर पुटअप करना चाहते हैं। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ न्यू आइडियाज़ को ही डबल कोट्स के अंदर रखना है, तो मैंने इसको यहाँ से रख दिया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊँ, तो आप यहाँ देखेंगे कि जो आपका न्यू आइडियाज़ है वो डबल कोट्स के अंदर है, जबकि यूट्यूब चैनल क्या है, इससे बाहर है। तो आप इसको इस टैग का यूज इस तरह से कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टैग आता है वो है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग और बोल्ड टैग में काफ़ी डिफरेंस होता है। जो बोल्ड टैग होता है उसकी सहायता से हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, यानी मोटे अक्षरों में कर देते हैं, जबकि जो स्ट्रॉन्ग टैग होता है वो बोल्ड की तरह ही काम करता है, यानी कि टेक्स्ट को मोटे अक्षरों में करता है, लेकिन जो इसकी इंपॉर्टेंस होती है उस वर्ड की वो बढ़ जाती है। मैंने यहाँ लिखा स्ट्रॉन्ग टैग, STRONG स्ट्रॉन्ग टैग, और मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो आपका स्ट्रॉन्ग जो मैंने लिखा ना, ये वर्ड, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी बोल्ड की तुलना में। अगर आप इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो आप यहाँ देखेंगे कि जो स्ट्रांग है वो मोटे अक्षरों में आ गया है, जबकि ये बोल्ड के जैसा ही है, लेकिन जो स्ट्रांग होता है वो किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है। दोनों में अंतर आपका ये है। नेक्स्ट जो टैग है वो है ईएम टैग। जैसे आपका बोल्ड होता है उसके इक्विवेलेंट होता है स्ट्रांग टैग, ठीक उसी तरीके से जो आपका होता है टैग इटैलिक, उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं ईएम। जो ईएम होता है वो क्या करता है, वो किसी भी टेक्स्ट को फ्रेश, हम बोल सकते हैं ना, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर ई एम, और मैंने यहाँ पर लिखा कि फ्रेज, ठीक है, और उसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। तो जो आपका ई एम है वो इटैलिक टैग के बराबर कार्य करता है, लेकिन जो ई एम और स्ट्रांग है, इन दोनों टैग की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है बोल्ड और इटैलिक की तुलना में। तो मैंने इसको यहाँ से प्रीव्यू कराया, तो आप यहाँ देखेंगे कि इससे क्या हो रहा है, जो आपका वर्ड है ये तिरछे अक्षरों में हो चुका है, जबकि आप यही काम इटैलिक से कर सकते थे, लेकिन जो ईएम होता है इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, यानी कि ये टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपके दो टैग हो गए। नेक्स्ट जो आपका टैग है वो है सब स्क्रिप्ट। आप जानते हैं कि अगर आपको लिखना है H2O, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ H2O तो ये सही नहीं लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका होता है H, ठीक है, वो आपका होता है कुछ इस टाइप से, और टू आपका नीचे होता है और वो ऐसे होता है। अगर आपको इस टेक्स्ट को इस टाइप में लिखना है तो आप उसके लिए यहाँ पर सब स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। जो आपके यहाँ पर टू है ये एक सब स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है। अगर मुझे H2O बिल्कुल सेम टाइप से लिखना है तो आपको यहाँ पर जो आपका टू है इसको सब स्क्रिप्ट बनाना होगा। तो इसके लिए आप टैग यूज़ कर सकते हैं SUB, जो कि आपका एक टैग होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ टू को नीचे भेजना है, इसको आपको सब स्क्रिप्ट बनाना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ टू को ही सब स्क्रिप्ट बनाएंगे। तो इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया है। अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो आप यहाँ देखेंगे कि जो बिल्कुल एज इट इज़ जैसा प्रिंट होना चाहिए H2O, वैसा ही यहाँ पर प्रिंट हुआ है। आप यहाँ देखिए, तो ये आपका हो जाएगा सब स्क्रिप्ट। ठीक इसके उल्टा अगर आपको लिखना है A²+B², तो आप इसके लिए यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर बात आएगी किसी भी टेक्स्ट को नीचे भेजने की, ठीक है, सब स्क्रिप्ट की, तो आप वहाँ लगाएंगे SUB, जबकि अगर बात आएगी सुपर स्क्रिप्ट की तो आप वहाँ पर SUP लगाएंगे। तो आप इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा आपको A²+B² लिखना है, तो उसके लिए आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे SUP सुपर, देन उसके बाद, अब देखिए चूंकि जो ए है वो नॉर्मल है लेकिन जो स्क्वायर है वो आपका ऊपर जाएगा, तो मैंने लिखा यहाँ पर सुपर और मैंने लिखा टू। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर A² की बात कर रहे हैं, और हमने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया SUP को। और उसके बाद चूंकि फिर आएगा प्लस, तो मैंने लिखा प्लस, देन उसके बाद B²
तो बी तो नॉर्मल है, लेकिन जो स्क्वायर है वो आपका सुपर स्क्रिप्ट का एक एग्जांपल है, तो मुझे टू को सुपर स्क्रिप्ट के अंदर लिखना होगा, यानी इस टैग के अंदर लिखना होगा। तो मैंने इसको यहाँ से लिख दिया है और उसको हमने यहाँ से क्लोज भी कर दिया है। अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊँ तो आप यहाँ देखेंगे कि बिल्कुल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ प्रिंट हो चुका है। कहने का मीन्स ये है कि आपको जिस भी टेक्स्ट को बनाना है सुपर स्क्रिप्ट या फिर सब स्क्रिप्ट, आप सिर्फ और सिर्फ उसी को उन टैग्स के बीच में लिखेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो ये जो सुपर टैग और सब स्क्रिप्ट टैग होते हैं ये कुछ इस टाइप से वर्क करते हैं। नेक्स्ट टैग है दैट इज स्ट्राइक थ्रू। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू बनाना है तो आप उसके लिए स्ट्राइक टैग का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर डबल एस हो गया है तो उसको मुझे रिमूव करना होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि दिस इज, सॉरी, दिस इज स्ट्राइक टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। तो आप यहाँ देखेंगे जो आपका टेक्स्ट है वो बीच से कट चुका है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट, ठीक है। तो आप यहाँ देखें तो दिस इज स्ट्राइक टेक्स्ट, तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक टेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपका टैग आता है वो है इंसर्ट टैग। मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और आप उसमें अलग से उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप उसके लिए इस टैग का यूज़ करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सेंटेंस था दिस इज, सॉरी, दिस इज यूट्यूब चैनल। अब मुझे इसमें एक्स्ट्रा जोड़ना है न्यू आइडियाज़ YT, तो आप इस केस में इंसर्ट अटैक का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा INS जो कि आपका टैग होता है, और मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है न्यू आइडियाज़ YT को। तो मैंने आप लिख दिया है NEWIDEASYT और हमने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया है। तो इस केस में क्या होगा, ये हाईलाइट कर देगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जो ये है ना न्यू आइडियाज़ YT, इसको इसमें ऐड किया गया है उस वर्ड के नीचे जो आपने बाद में ऐड किया है उसके नीचे ये अंडरलाइन कर देता है। तो जो इंसर्ट टैग होता है वो कुछ इस टाइप से काम करता है। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट था उसमें कंटेंट था, आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप इस टैग का यूज़ कर सकते हैं। इससे जो भी विजिटर आएगा उसको मालूम हो जाएगा कि ये इस वर्ड को इस डॉक्यूमेंट में ऐड किया गया है, तो क्या करेगा वो उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर देगा। तो जो इंसर्ट टैग होता है ये कुछ इस टाइप से वर्क करता है। अब मान लीजिए आपके पास कोई सेंटेंस था, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर कि हाय गाइस, हाउ आर यू, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया हम, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से जो मेरा सेंटेंस था, मुझे सेंटेंस से हम को डिलीट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टैग का यूज़ करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, आप जिस भी वर्ड को रिमूव करना चाहते हैं आप उसके लिए यहाँ पर एंगल ब्रैकेट के अंदर DEL, इसका मतलब यह है कि जो टेक्स्ट है इसको डिलीट मानिए आप, यानी इसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा डिल और उसको हमने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो आपका ये वर्ड था ये बीच से कट गया है, जैसा आपका था ना स्टैक वाला वर्ड, इसका मतलब ये है कि जो ये वर्ड है अब इसको आप यहाँ पे काउंट ना करें, इसको यहाँ से हटा दिया गया है। हालांकि जो आपका डेल है और इंसर्ट है इनके अट्रीब्यूट भी होते हैं, इनको हम लोग आने वाले प्रोजेक्ट में समझने का प्रयास करेंगे। जो इंसर्ट होता है यह बताता है कि आपने इस सेंटेंस में इस वाले टेक्स्ट को आपने इसमें ऐड किया है, जबकि जो आपका होता है डेल यह बताता है कि इस सेंटेंस से इसको हटा दिया गया है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये आपका हो गया डेल टैग। इसके बाद आपका टैग आता है मार्क टैग। मार्क टैग क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने का काम करता है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि हाय एवरीवन, ठीक है, मुझे क्या करना है एवरीवन को हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कुछ इस टाइप से मार्क। एक आपका टैग होता है जो कि किसी भी वर्ड को या किसी भी टेक्स्ट को मार्क यानी हाईलाइट करने के लिए काम करते हैं। मुझे एवरीवन को मार्क करना है तो मैं क्या करूँगा, एवरीवन के पहले मार्क और लास्ट में इसको इस टैग को क्लोज कर दूंगा। मैंने लिखा मार्क और हम अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो आप यहाँ देखेंगे कि जो एवरीवन है ये हाईलाइट हो चुका है। तो जो एवरीवन हो, जो मार्क टैग होता है ये किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जो आपका नेक्स्ट टैग है वो है पैराग्राफ। आपके पास कोई कंटेंट है, कोई टेक्स्ट है, आप उसको एक पैराग्राफ के रूप में लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए इस टैग का यूज़ कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माई YouTube चैनल,
न्यू आइडियाज़ बाई टी। ठीक है, अगर मुझे इस सेंटेंस को बनाना है पैराग्राफ, तो आप क्या करेंगे, आप इसके पहले एक आता है टैग जिसको बोलते हैं पैराग्राफ टैग, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखना है पी, और आपको जितना भी आपको पार्ट बनाना है पैराग्राफ, आप उसको वहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इतने लाइन को ही बनाना है पैराग्राफ, तो मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि जो इसका प्रीव्यू है, ये जो आपका था हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू आइडिया सोसाइटी, ये आपका एक पैराग्राफ बन चुका है। जो आपका पी टैग होता है, जो पैराग्राफ टैग होता है, वो उन एलिमेंट्स के पहले और बाद में कुछ स्पेस छोड़ देता है, आप यहाँ देख सकते हैं। सो गाइस, ये आपके टैग थे, आज हम इतने ही टैग समझने का प्रयास करेंगे, और साथ ही अगले वीडियोज़ में जो आपके टैग्स बचे हुए हैं उनको अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।